प्रदेश परिवहन विभाग ने कोविड-19 एडवाइजरी का पालन करते हुए विभिन्न जिलों और अंतर जिला बस रूटों पर सेवाएं जिला हमीरपुर में आज से शुरू हो गई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो 47 लोकल जबकि 6 अंतर जिला रूटों पर बसें जा रही हैं। वहीं जिला में निजी बस ऑपरेटर की बसें भी दौड़ती देखी जा रही हैं। हालांकि पहला दिन होने के चलते कम सवारियां ही देखने को मिली। हमीरपुर में बसों में आवाजाही का पूर्ण प्रबंध व अन्य गतिविधियों का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ने भी बस अड्डे का दौरा कर मास्क और शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन की अनुपालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले दिन होने के कारण बस अड्डे पर भीड़ नहीं थी, लेकिन विभाग ने प्रदेश परिवहन विभाग के कोविड-19 एडवाइजरी के अनुरूप सभी प्रबंध किए हैं और स्वास्थ्य जांच की टीम भी बस अड्डे पर मौजूद है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दिशा निर्देशों अनुसार आज 1 तारीख से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसके ही चलते जो डायरेक्शंस आई हैं और उनको कैसे किस तरह से फॉलो किया जाना है, उसके लिए हमने एक मीटिंग जो पिछले कल की थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज मैं बस स्टैंड गया था। वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से भी बात की, जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पोस्टेड है उनसे बात की, जो सवारियाँ यूज़ कर रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उनसे भी बात की। हालांकि आज क्योंकि पहला दिन है, इतना रश नहीं था जितना यूजुअली एक बस स्टैंड पे होता है, बट फिर भी वहाँ पे हमने व्यवस्था को देखने के लिए मद्देनज़र वहाँ पे गए थे। जिस तरह की डायरेक्शंस सरकार की हैं कि 60% कैपेसिटी में ही बसेज चलेंगी, किस तरह से टेम्परेचर और वो नाप के जो है वहाँ पे जो बस स्टैंड में खासकर जो भीड़ है उनका नियंत्रण किया जाएगा, उस सबको देखने के उद्देश्य से आज हम गए थे। तो वहाँ स्थिति अभी एटलीस्ट हमीरपुर बस स्टैंड में स्थिति और हमीरपुर जिले में बाकी बस स्टैंड में भी स्थिति जो है संतोषजनक है। जैसे जैसे ओवर द टाइम रश बढ़ेगा उस तरह के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता पड़ी तो करेंगे, पर अभी आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा सभी लोगों से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते समय जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं उसको जो एहतियात दी गई हैं उनको बरतना ना बरतें और भूले ना कि ये लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है हमारे एरिया से। तो इसलिए प्रिकॉशन जो है वो सबसे आवश्यक है ऐसे मौसम में ऐसे माहौल में, और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि सब फॉलो करेंगे। हमीरपुर से दूसरे जिले में जा रही सवारियों ने कहा कि बसों में शारीरिक दूरी को लेकर एहतियात बरती जा रही है और बस को सैनिटाइज कर ही बस अड्डे पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि बस के अंदर बैठने की व्यवस्था पर संतुष्टि जताई है। एहतियात मैं देखिए, मैं अभी जो आया कांगड़ा से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जसिमपुर साइड से आ रहा हूँ, तो वहाँ से आया तो बस में था कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सवारी को मतलब जैसे 2 सीट्स हो रही तो एक ही सीट पे सवारी बैठ रही है, 3 सीट पे दो ही सवारी बैठ रही है, और कंडक्टर जो है वो भी उन्होंने मतलब अपने हाथ पे ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने, मतलब सभी ने मास्क पहन के सारी सवारियाँ आ रही हैं। तो हाँ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा उपयोग करा जा रहा है, अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग करी जा रही है यहाँ पे। हम इसलिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आए हैं और कांगड़ा जा रहे हैं। किस तरह की एहतियात बरती जा रही है बसों में? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सैनिटाइज्ड हैं बसें, प्रॉपरली सीट नंबर डाले हुए हैं, एक 3 वाली जो सीट है वहाँ पे एक पैसेंजर बैठ सकता है, 2 वाली में भी एक, सभी में प्रॉपर नंबर डाले हुए, सभी मास्क लगा के यहाँ पे जो है बस अड्डे पे पूरी एहतियात बरत रहे हैं लोग सारे। वहीं प्राइवेट बस के परिचालकों ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन पहले दिन कई रूटों पर मात्र 1 या 2 सवारियां ही बस में सफर करने आ रही हैं। एक लोड से आया, अभी सिर्फ उस समय गाड़ी में 4 सवारियां लेके आया मैं, 2 लोड से आए और 2 नाल्टी में बैठ गया, बस यही रिस्पांस रहा, 0 रिस्पांस है। इसी सरकार के तहत पे हम काम कर रहे हैं, जो उनकी गाइडलाइन है उसी पे, जैसे डिस्टेंस बाई डिस्टेंस बिठानी है सवारी। अभी 2.5 महीने बाद गाड़ियाँ चली हैं, अभी लोगों को पता भी नहीं है, आज पहला दिन है कोरोना के और कोरोना फैला है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जरूरी काम है तभी जा रहे हैं लोग, ऐसे तो कोई नहीं जा रहा है। सर मैं यहाँ से गया तो 70 रुपये पहले पर्ची वाले ने लिए, ठीक है 150 रुपया बना जी पूरा रूट का, जाओ मीरपुर
ठीक है जी 150। और आती बार भी 150 रुपये बड़ा जी, तो उसमें 45 रुपये उधर पर्ची हो गई। अब खाना भी खाना, क्या खाना जी, 2.5 महीने वेले हो गए जी। और हमारा भी बीमा हो जी 50 लाख का, जैसे सरकारी कर्मचारियों का होता है। हम पूरा काम कर रहे हैं, जैसे सवारी बैठती है 16 बंदे बैठाने 32 सीटर बस में, ठीक है जी। सैनिटाइजर वगैरह हमारे को दिए सर, वो सारा ये कर रहे हैं। HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो 47 लोकल जबकि 6 अंतर जिला रूटों पर बसें जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मास्क और शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी चालक व परिचालकों को दिए गए हैं। आज सुबह से हमने प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 7 बजे से जो है HRTC की बसें शुरू कर दी हैं। तो शुरू में हमने थोड़ी कम बसें चलाने का फैसला लिया है, जैसे जैसे सवारी बढ़ती जाएगी हम अब बसें सवारियों को देखते बढ़ाते जाएंगे। तो आज पहले दिन हमने 6 बसें जो है लॉन्ग रूट पे भेजी हैं जो जिला के बाहर गई हैं, और 47 रूट जो हम जिला के अंदर चलाने जा रहे हैं। देखने में आया था उसमें इक्का दुक्का सवारियां तो आ रही थी, परंतु धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि बस चल रही है, कौन से टाइम की चल रही है, आज तो ये भी पता नहीं था ज़्यादा करके सवारी को कि कौन से टाइम की बस जाएगी कौन से की नहीं आएगी, तो उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, काफ़ी जगह पर लगाए भी हैं, आपके द्वारा भी हम लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा तो 1-2 दिन में नो डाउट जो है सवारियाँ बाहर निकलेंगी, जिनको काम है, जिन्होंने मुख्यालय पर आना है, सब डिवीज़न पर जाना है, कि दफ्तरों में काम है लोगों को, बाजार में काम है, तो आएंगे लोग। सैनिटाइजर दिया हुआ है, स्प्रे क्या स्प्रे पंप जो उनको उपलब्ध कराए गए हैं, तो वो यहाँ से शाम को जब जाएंगे तो स्प्रे पंप को भर के लेके जाएंगे, और सुबह बस चलने से आधा घंटा पहले जो है गाड़ी के जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हैंड टचिंग होती है उसको वो स्प्रे करेंगे, उसी के बाद जो है बस चलेगी। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से प्रदेश में बस सेवाएं बंद हैं। इसके चलते लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही थी जिनके पास अपना कोई वाहन नहीं है, लेकिन अब जिला में सरकार व निजी बस ऑपरेटर लोकल और अंतर जिला रूटों पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए निजी बस ऑपरेटरों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर को अपनी सहमति प्रदान की है। निजी बस ऑपरेटर 55 लोकल रूटों समेत हमीरपुर नालागढ़, हमीरपुर कांगड़ा, हमीरपुर शिमला और हमीरपुर द्योचित रूटों पर सेवाएं देंगे।